दोस्तों कहते हैं जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए और उसके लिए किताबें पढ़नी चाहिए। पर हमारे लिए क्या सही है वो कैसे ढूंढे ये कोई नहीं बताता, और इसीलिए मेरी खुद की चार ट्रिक्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो आपके लिए सही क्या है ये ढूंढने में आपकी मदद करेगी। नंबर वन, फाइंड व्हाट यू लव। यार अगर पसंद के लाइफ पार्टनर के साथ शादी करोगे तभी जिंदगी भर खुश रह पाओगे, नहीं तो सब खत्म। वैसे ही यहां सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको कौन से टाइप्स के बुक्स पढ़ना पसंद है, क्योंकि अगर आप किताब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और शुरुआती किताब ही आप ऐसी ले रहे हो जो आपको बोर कर रही है, तब तो भैया हो गया, किताब और आपका रिश्ता वहीं पर खत्म। इसीलिए सबसे पहले अपने पसंद का एरिया ढूंढो, जैसे कि एडवेंचर या मिस्ट्री, ड्रामा, रोमांस, फिक्शन, नॉन फिक्शन, सेल्फ डेवलपमेंट, फाइनेंस वगैरह वगैरह, क्योंकि कई बार लोग गलत एरिया चूज कर लेते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि बंदा उस बुक को फिनिश नहीं कर पाता। क्योंकि यार ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप अपने पसंदीदा टॉपिक्स पर बुक्स पढ़ रहे हो तो आप उसमें लिटरली खो जाते हो, और कई बार तो उस किताब की लत लग जाती है कि जब तक वो खत्म नहीं होती चैन नहीं मिलता, और इस सिचुएशन में आप बड़ी सी बड़ी किताब भी कुछ ही दिनों में खत्म कर देते हो, क्योंकि आप उस स्टोरी से उस किताब से इतना जुड़ जाते हो कि आपको रियलिटी का ध्यान तक नहीं रहता। और ये मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रहा हूं, ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड योर लव, ऑफ कोर्स इन द कैटेगरी ऑफ बुक्स। नंबर टू, फाइंड आउट करंटली व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। दोस्तों कहीं पे मैंने सुना था कि एक दिन में हमारे दिमाग में 60,000 थॉट्स आते हैं। अब मैंने कभी काउंट तो नहीं किए, पर हाँ इतने तो जरूर आते होंगे, और इनमें से कुछ थॉट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे दिमाग में महीनों तक और कुछ तो सालों तक रहते हैं। आपको पता ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबकॉन्शियसली उस टॉपिक में हमें इंटरेस्ट होता है, इसलिए हम वो चीज को इतनी आसानी से नहीं भूलते, और अगर हम उस पर पढ़ना स्टार्ट करें तो ये हमारे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है। जैसे कि कुछ दिनों से क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, ये कुछ ऐसे टॉपिक थे जो कि मेरे दिमाग में कई दिनों से चल रहे थे, तो मैंने उस पर पढ़ना स्टार्ट किया। शुरुआत में डायरेक्टली बुक्स वगैरह से स्टार्ट नहीं किया, पर ब्लॉग्स वगैरह पढ़ने के बाद मेरा इंटरेस्ट इसमें और ज्यादा बढ़ गया, एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू रीड अ बुक नेम्ड डिजिटल गोल्ड। क्योंकि जब दिमाग में किसी भी टॉपिक का थॉट होता है तो उसके बारे में लिमिटेड नॉलेज हमारे पास होता है, पर जब आप डीप जाते हैं तो उसके बारे में और इनसाइट्स मिलते जाते हैं, जो कि लिटरली एक्साइट करता है, और इसके साथ इंटरेस्ट और बढ़ता जाता है। नंबर थ्री, यूज टेक टू गेट स्मार्ट। दोस्तों पुराने जमाने में अगर आपको कोई चीज सीखनी हो या किसी चीज का नॉलेज लेना हो तो आपके पास बस एक ही सोल्यूशन होता था, एंड दैट वॉज बुक्स। पर भाई अभी ये इंटरनेट, स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स, इन्होंने अपनी जिंदगी इतनी आसान कर दी है कि पूछो मत। मैं हमेशा कहता हूं कि टेक्नोलॉजी को अगर आप अपनी जिंदगी में प्रॉपरली ऐड कर पाते हो तो ये आपकी जिंदगी को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। 25-30 साल पहले अगर किसी को कोई चीज सीखनी होती थी या किसी चीज का नॉलेज लेना होता था तो उनके पास किताबें और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, ये दो सॉल्यूशंस ही होते थे। पर इंटरनेट और स्मार्टफोन के आने के बाद ये कंप्लीटली चेंज हो गया है। आज आपको कुछ भी सीखना है तो आप इंटरनेट पर जाकर सीख सकते हो, या अगर बुक्स पढ़नी है, वैसे तो आप बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, आप डायरेक्टली बुक्स को सुन सकते हो। इसकी वजह से जो बुक्स कंप्लीट करने में पहले 2-3 महीने लगते थे वो आज कुछ घंटों में ही खत्म हो जाती है। दोस्तों मैं खुद भी जब भी ट्रैवल करता हूं या कुछ खाली बैठा हूं तो ऑडियो बुक जरूर सुनता हूं, और हमेशा नॉलेज को इंप्रूव करता रहता हूं। और ये ऑडियो बुक्स मैं सुनता हूं कुको FM पर, यहां पर हजारों ऑडियो बुक्स अवेलेबल है जो कि आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से सुन सकते हो, और तो और यहां काफी ऑडियो बुक्स आप फ्री में भी सुन सकते हो, और आप इसका प्रीमियम प्लान भी ले सकते हो जो कि आज आपको एकदम ऑफर प्राइस में मिलेगा, क्योंकि इसकी ओरिजिनल प्राइस 400 रुपीज पर ईयर है, पर आज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफर चल रहा है और आप Freedom50 इस कोड का यूज करके इसको खरीदते हो तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा, यानी कि 200 रुपए में। मतलब आप 50 पैसे पर डे के कॉस्ट पर हजारों बुक्स यहां पर सुन सकते हो, और 15 अगस्त के बाद आप इसको खरीदते हो तो WP20 इस कोड का यूज करके आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है। और तो और खास बात तो यह है कि यहां पर हर दिन एक नया बुक ऐड होता रहता है, तो यार खुद के फ्यूचर के लिए, खुद के ग्रोथ के लिए इतना तो बनता है। कुको FM की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ और डाउनलोड करो। नंबर 4, चेक द रिव्यूज। दोस्तों हम इंटरनेट के जमाने के स्मार्ट लोग हैं जो कि चड्डी बनियान तक सब ऑनलाइन ही खरीदते हैं, और खरीदते वक्त रिव्यू जरूर चेक करते हैं। वैसे ही अगर हम बुक्स के बारे में करें तो हमारा काफी वक्त जो कि खराब होने वाला है वो बच सकता है, क्योंकि आपको जो भी बुक पढ़ना है या सुनना है उसके रिव्यूज आपको इंटरनेट पर कई जगह पर मिल जाएंगे, वहां से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर बुक में क्या है। तो जब भी कभी पढ़ने के लिए कोई भी बुक सिलेक्ट करो तो उसके रिव्यूज एक बार जरूर चेक करना। तो गाइज ये थे वो चार ट्रिक्स जो मैं खुद यूज करता हूँ। आप अपने बुक्स कैसे सिलेक्ट करते हो कमेंट्स में जरूर बताना। दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।